गाइस वेलकम बैक विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। मैं आपका होस्ट सईद मोहम्मद एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं ARY की जानिब से आने वाली एक सुपर डुपर बाइक के बारे में। इस बाइक के हवाले से मैं आपको गुड पॉइंट्स बताऊंगा कि इसमें हमें बेस्ट ऑप्शंस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। मैंने पहले इस पर एक फुल फ्लैज वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उस वीडियो को, और अभी तक आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, तो इसी तरह हमारे साथ प्यार बनाए रखें। तो गाइज आज मैं इस बाइक की आपको स्पेशलिटी बताने वाला हूँ कि ये बाइक आप क्यों परचेज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिज़ाइन पर बात कर लें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। आपको जो इसका डिज़ाइन है आप कह सकते हैं कि प्राइडर और ड्रीम की लुक आपको प्रोवाइड करता है। आप अगर जो है वो एक नॉर्मल 70 से अपग्रेड करना चाहते हैं तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छी बाइक है, काफ़ी खूबसूरत बाइक है। ये जो ARY की जानिब से आने वाली बाइक है, ये इनका जो नाम रखा गया वो सिटी ब्रांड रखा गया है, और इसका ये जो मॉडल है ये कराची किंग्स की प्रमोशन के लिए लॉन्च किया गया है, जो काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अच्छे डिज़ाइन में आता है। आप इसको देख सकते हैं, इसका जो एग्जास्ट है वो होंडा CG125 की तरह आपको मिलता है, और जो इसकी लुक है वो आपको प्राइडर और ड्रीम की तरह की मिलती है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ऑप्शंस मिल जाती हैं वो अलॉय रिम्स मिल जाते हैं। अलॉय रिम्स के साथ साथ आपको इस बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन दी जाती है, और उसके साथ आपको बता दूँ इसकी जो सीट्स हैं वो काफ़ी स्मूथ सीट्स हैं, काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, सीट्स इसकी काफ़ी कम्फर्टेबल हैं, तो आपको कम्फर्ट राइड भी प्रोवाइड करती है। और मज़ीद आपको बता दूँ जो यहाँ पर टायर्स लगाए गए हैं वो 6-ply के टायर्स है। आपको नॉर्मल जो 70cc आती है उसमें आपको 4-ply के टायर मिलते हैं, लेकिन इस बाइक की स्पेशलिटी यही है कि इसमें आपको 6-ply के जो है वो टायर लगाए गए हैं। बात करें यहाँ पे अलॉय रिम्स के हवाले से, तो अलॉय रिम्स आपको कलरिंग में दिए गए हैं जो काफ़ी आई कैचिंग से हैं, आपको बड़ी खूबसूरत लगती है बाइक। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो रेड कलर में है उसमें आपको रेड कलर के ही जो पेंट किया गया है यहाँ पर अलॉय रिम्स के अंदर, काफ़ी खूबसूरत है। मैं आपको यहाँ पर क्लोज करके भी दिखा देता हूँ, काफ़ी डिसेंट से ग्राफिक आपको यहाँ पर अलॉय रिम मिल जाते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर मज़ीद इस बाइक के हवाले से कि इस बाइक की हमें एवरेज कितनी मिलती है, तो ऑलमोस्ट ये जो आपको एवरेज देगी 60 के राउंड अबाउट, 55-60 के राउंड अबाउट जो है ये आपको एवरेज देगी, और जिसकी डिस्प्लेसमेंट है वो 78 क्यूबिक की डिस्प्लेसमेंट है। आप इसका मीटर चेक कर सकते हैं, एक साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है और दूसरी साइड पे आपको गेयर्स की इंडिकेशन दी गई है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैनेज किया गया है। इसके मीटर जानी मीटर साइड से भी काफ़ी आपको डिसेंट सी लुक मिल जाती है मीटर के अंदर भी, और आपको एक न्यू डिज़ाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। मज़ीद बात करें आपको यहाँ पर मैं लेफ़्ट साइड पे चेक करवा देता हूँ, तो लेफ़्ट साइड पे हमें यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं है, यानी कि हाई बीम की ऑप्शन है, उसके साथ लो बीम की ऑप्शन है, और नीचे आपको जो है इंडिकेटर की ऑप्शन है, उसके नीचे हॉर्न दिया गया है। अगर मैं राइट साइड पर आऊँ तो राइट साइड पर आपको यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दी गई है वो आपको रेड कलर में सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन मिल जाती है, और आप इसकी ग्रिप वगैरह भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। सीट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर सीट्स भी आप देख सकते हैं, लंबाई भी सीट्स की ठीक है और काफ़ी कम्फर्ट सीट्स हैं इसकी। गाइज़ यहाँ पर आपको इस बाइक के वाले से फाइनल बताऊँ तो यहाँ पर आपको अलॉय रिम्स मिल जाते हैं जो कि कलरिंग में दिए गए हैं। मैं आपको ब्लैक कलर भी लास्ट में शो करूँगा, इसमें आप ब्लैक के ग्राफिक्स भी देख सकते हैं, वहाँ पर ग्राफिक्स भी चेंज हैं और उसके साथ आपको अलॉय रिम्स का कलर भी चेंज दिया गया है। तो गाइज़ यहाँ पर आपको बता दूँ इसमें एक तो अलॉय रिम्स आपको ऑप्शन मिल जाती है, सेल्फ स्टार्ट की ऑप्शन दी गई है, डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोगो वगैरह भी सिटी का काफ़ी अच्छा, और नीचे जो है कराची किंग्स को भी काफ़ी हद तक प्रमोट किया गया है, तो काफ़ी डिसेंट डिज़ाइन के साथ आ जाती है। इसकी सस्पेंशन काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, 78 की डिस्प्लेसमेंट है तो आपको हाई स्पीड मिलती है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट जो है वो 70 के मुकाबले में टॉप स्पीड भी ज़्यादा मिलती है, और एवरेज भी आपको इस बाइक में बेहतर मिल जाती है, यानी कि 50 से 60 के दरमियान जो है वो इसकी एवरेज है, काफ़ी बेटर आपको यहाँ पर एवरेज भी ये बाइक प्रोवाइड करती है। तो फुल एंड पैकेज है, सीट्स भी कम्फर्ट हैं, आप लॉन्ग रन पर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी देती है। तो फाइनली गाइस इस बाइक के मैं अब आपको यहाँ पर ब्लैक में शो करवा देता हूँ, ब्लैक से भी आप इसको देख सकते हैं कि ब्लैक कलर कैसा लगा। गाइस आप यहाँ पर ब्लैक में देख सकते हैं, ब्लैक के ग्राफिक्स भी आपको मैं चेक करवा रहा हूँ, ब्लैक में भी इसका जो सिटी का लोगो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, उसके ऊपर कराची किंग्स का लोगो है और सेंटर में भी आपको लोगो ही दिया गया है, और अगर यहाँ पर आप नीचे आ जाएँ इसके टापे की जानिब तो वहाँ पर भी आपको कराची किंग्स का लोगो अवेलेबल है, और इको 70 इस बाइक का नेम है, तो काफ़ी डिसेंट है ब्लैक कलर के अंदर भी। लेकिन ब्लैक कलर में एक चीज़ मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी कि ब्लैक कलर की जो अलॉय रिम्स हैं उनकी कलरिंग को चेंज किया गया, यहाँ पर उनकी कलरिंग को ब्लू रखा गया, तो काफ़ी अमेजिंग लगती है यार दोनों कलर्स में, एक रेड कलर में रेड लिख दिए गए हैं अलॉय रिम्स, लेकिन ब्लैक कलर में ब्लू दिए गए हैं, वो मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद आए हैं। आपको दोनों में से कौन से ज़्यादा पसंद है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और इस बाइक की अभी कंफर्म प्राइस मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने इसकी प्राइस शेयर की थी, लेकिन इस टाइम मैं आपको इसकी प्राइस शेयर बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि मुझे इस वक्त इसकी लेटेस्ट प्राइस का अंदाज़ा नहीं है कि अब इसकी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रही है।
तो उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपको नंबर शेयर कर दूँगा शोरूम का, तो आप उनसे पूछ कर फाइनल जो आपकी प्राइस है वो मालूम कर सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आपको ये बाइक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे, टेक केयर ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।